इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, सुभाषपा निकाय चुनाव के उम्मीदवार की नामों की आज घोषणा कर सकती है। ओम प्रकाश राजभर आज सुबह 10 बजे प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करेंगे। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में सुभाषपा ऑफिस पर होने जा रही है और इस दौरान लिस्ट यहां पर जारी की जा सकती है। निकाय चुनाव को लेकर यह बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, सुभाषपा से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। सुभाषपा आज प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करने वाली है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। पूरे प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ेगी सुभाषपा। ओम प्रकाश राजभर नामों का ऐलान करने वाली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुबह 10 बजे की तकरीबन बताया जा रहा है नामों का ऐलान हो सकता है। निकाय चुनाव को लेकर यह बड़ी खबर है कि सुभाषपा आज प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करने जा रही है। पूरे प्रदेश में सुभाषपा अकेले ही चुनाव लड़ेगी। यह साफ कर दिया गया कि किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं, अकेले अपने दम पर सुभाषपा चुनाव लड़ने जा रही है। भाजपा में निकाय चुनाव के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन जारी है। इसी बीच उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का दिल्ली दौरा हो रहा है। प्रथम चरण के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं हो पाई है। माना यह जा रहा है कि निकाय चुनाव के मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे, उसके बाद ही नामों को सामने रखा जाएगा। तो यहां पर उप मुख्यमंत्री जो कि दिल्ली के लिए रवाना होंगे, दिल्ली दौरा उनका है केशव प्रसाद मौर्य का। डिप्टी सीएम आज केंद्रीय नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे। लखनऊ में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की जिला कोर कमेटी आज बड़ी बैठक करने वाली है, जिसके बाद उम्मीदवारों के तीन तीन नामों का एक पैनल बनाकर लखनऊ मुख्यालय भेजा जाएगा। इस जिला कोर कमेटी में प्रभारी मंत्री संगठन की ओर से नियुक्त प्रभारी सांसद विधायक जिला महामंत्री शामिल रहने वाले हैं। भाजपा कोर कमेटी की आज बड़ी बैठक में फाइनल प्रत्याशियों के नाम यहां पर फाइनल होने जा रहे हैं। तो वही निकाय चुनाव को लेकर रालोद आज दिल्ली में बैठक करेगी। यह मीटिंग सुबह 11 बजे दिल्ली में जयंत चौधरी के घर पर होने वाली है। इसमें सभी पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। इस बैठक में निकाय चुनाव की रणनीति और उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही रालोद का चुनाव आयोग के जवाब का इंतजार भी है। जयंत ने हेडपंप सिंबल को रालोद को देने के लिए कहा है, तो बड़ी बैठक आज रालोद की तरफ से भी होने जा रही है। मंथन उसमें क्या जाएगा, आज जयंत ने दिल्ली में बैठक बुलाई है, तो राजधानी दिल्ली में बड़ी बैठक रालोद की आज होने जा रही है। निकाय चुनाव को लेकर आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि निकाय चुनाव पर सपा से बात चल रही है, हमने समन्वय समिति बनाई है, जल्द ही साफ हो जाएगा कि कौन कौन से सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जयंत ने कहा कि स्वच्छ छवि के उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा, जरूरत हुई तो चुनाव प्रचार भी करूंगा। ये बड़ी बातें यहां पर कही है जयंत चौधरी ने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।